जिसे छूना संभव है पर उसके बिना संसार का संचालन मुश्किल। मानव शरीर में विद्यमान पृथ्वी की सबसे पवित्र चीज जिसे अपवित्र नहीं किया जा सकता, जो किसी को आगे बढ़ाने का कारण है, तो उसके मिट्टी बनने की मुख्य वजह भी वही है। ये आग ही कुछ ऐसी है। तमाम संचालन लोहे को खूबसूरत और शीशे को बेहतरीन बनाने में इसी आग का उपयोग देखा जा सकता है। यही आग जब धधकती है सीने में तो वो आपको ले जाती है एक नई दुनिया की तरफ। वो दुनिया घृणा, द्वेष या अंधकार की तरफ हो सकती है, या फिर समृद्धि की तरफ, खुशहाली की तरफ और सफलता की तरफ। अपने आप को इसी आग में तपा, अपने अंदर की कमियों को इसमें जला, अपने पसीने को शीशे से पिघला और मेहनत को लोहे की तरह औजार बनाने की कहानी, डायमंड लीडर नितिन सारस्वत की कहानी। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के राया रोड पर बसा है गांव मोडेरा। यहीं एक कच्चे मकान में 10/1/1985 को जन्म हुआ नितिन सारस्वत का। पिता श्री राजेंद्र प्रसाद की उंगली पकड़ चलना सीखा और माता बिमला देवी के आंचल में अपने छोटे भाई के साथ बचपन बिताया। पिता खेत में मिट्टी को उपजाऊ बनाते थे और दोनों बच्चे विद्यालय में अपने भविष्य के बीज बोते। फूलचंद माध्यमिक विद्यालय यहीं पर हाई स्कूल किया, फिर किसान इंटर कॉलेज सौखेड़ा में 12वीं पास की। शिक्षा के साथ पोलियो कार्यक्रम में सेवा देते। अल्लड़ जवानी ने शहर की राह पकड़ी, बीसीए करने राजीव एकेडमी मथुरा गए। खर्च बढ़े तो पढ़ाई के साथ आरओ कंपनी में सेल्स का कार्य किया। ICICI बैंक में बैक ऑफिस जॉब की शुरुआत की, पर यह शुरुआत थी आने वाले भविष्य की। वक्त ने सोच बदली और सोच ने सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस एजुकेशन द्वारा MBA करवाया। फिर ज्वाइन किया बजाज एयरलाइंस कंपनी को कस्टमर सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव के पद पर। मेहनत का साथ था, एक साल में प्रमोशन लिया, नौकरी सही चल रही थी, आर्थिक हालात बढ़िया थे पर कुछ ज्यादा नहीं था। पिता ने समय देखा और उम्र के इस पड़ाव पर ललिता देवी से नितिन की शादी कर दी। नितिन दूल्हा बने और ललिता दुल्हन बन जीवन भर साथ देने को तैयार थी। ललिता ने अपने संस्कार और व्यवहार से परिवार में जगह बनाई और नितिन ने विश्वास से ललिता का दिल जीत लिया। अब नितिन के दिमाग में जरूरत के साथ अपने परिवार और पत्नी को सुविधा देने का विचार था। वो कुछ नया करना चाहते थे पर वो जानते थे कि नौकरी भूखा मरने नहीं देगी पर आगे कुछ नहीं करने देगी। इसी बात को ध्यान में रख अपना बिजनेस प्लान करने लगे, पर हाथ में ज्यादा पैसे नहीं थे। परिवार में खुशी आई, पुत्र का जन्म हुआ। इसी समय कुछ करने का मौका मिला, नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन कर लिया।
शुरुआत सधे कदमों के साथ। विरोध समाज का, परिवार और रिश्तेदारों का वक्त वक्त पर सामने होता, पर आगे बढ़ने की आग उनके सपनों को जीवित रखे थी। सुबह से निकलते शाम को तो उनके हाथ कभी कभी निराशा रहती, जो निराशा शाम को ढलते सूरज के साथ बढ़ती जाती। पर वो जानते थे कि इस रात की एक दिन सुबह जरूर आएगी। समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात आती है। रात में जब एक छोटा सा नन्हा सा दीपक जलता है, उसकी जरा सी ज्योत सही, पर दूर से उसको देख कोई बरसों का मुसाफिर गिरते गिरते संभलता है। समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात आती है। मैंने जाते जाते जाना, कौन है अपना कौन पराया। मैंने जाते जाते जाना, कौन है अपना कौन पराया। बस तू ही मेरा अपना है, बस तूने प्यार निभाया। आशा की किरण ने सपनों के शीशे को साफ किया। हो सासे हमारी, है ये दो धारी, हो सासे हमारी। लोगों का साथ मिल रहा था, एक एक करके 10,000 दिलों का साथ मिल रहा था। वो बने थे उन 10,000 दिलों के मार्गदर्शक। और आज नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में डायमंड लीडर बन गए। आज अपने सपनों की तपिश को समझकर लोगों के सपनों को सुनहरा कर रहे हैं। जेब से जो 1,000 रुपए का नोट निकलता है तो मैं उसे उठाता नहीं,
जानते हो क्यों? क्योंकि उस नोट को जमीन से उठाकर मेरे जेब में रखने में जितना टाइम जाता है उतने में मैं लाखों के डील कर लेता हूं। टाइम